मानसून की दूसरी बारिश है और मानसून की दूसरी बारिश में आगरा नगर निगम के दावे पूरी तरीके से फेल हो गए। आप ये सोचिए कि नगर निगम जो पूरे शहर की साफ सफाई का जिम्मा अपने ऊपर लेता है, उसके हालात देखिए। नगर निगम के ठीक मैं गेट के सामने मौजूद हूँ और आप ये MG रोड जो शहर की लाइफ लाइन कहा जाता है और ये MG रोड पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गया है। आप देखिए गाड़ियाँ कितनी पानी में यहाँ से डूब के निकल रही है, राहगीरों को निकलने में दिक्कत हो रही है। आप बताइए भैया कहाँ से जा रहे थे और कहाँ आ रहे थे? हम जा रहे थे यहाँ भवन टाके जा रहे थे, हमने देखा था नगर निगम यहाँ पानी से भरा हुआ है। तो अब कहाँ से, अब रोड पे तो जगह है नहीं पानी के अलावा, कैसे निकल रहे हैं फिर? अब अंदर घुस के निकल रहे हैं इसके, हाँ पानी में उतर के निकलेंगे और क्या। तो देखिए साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये फूल हो गए। और देखिए इधर भी दिखाइए ये महिलाएं, देखिए नगर निगम के दूसरे गेट के सामने से निकल के जा रही हैं। और बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ मैं कि वो नगर निगम जो दावे करता है शहर को साफ करने के लिए दूसरी बारिश में, जिस तरह से पहली बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुली थी, ठीक उसी तरह से दूसरी बारिश में, मानसून की दूसरी बारिश में नगर के यानी कि आगरा शहर के ये हालात है। MG रोड जो शहर की लाइफ लाइन है वो तो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गया है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा। ये कचरा साफ नहीं है, ये नाली चौक हो रही है ना, इसलिए पानी भर रहा है। क्या है नगर निगम की व्यवस्था ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं, नगर निगम की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। अब ऐसे दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है आपको, निकल रहे हैं मतलब क्या करें, दिक्कत में निकल रहे हैं। कौन निकलना चाहता है? सड़कों पे पानी भर गया है। हाँ धुआंधार, अरे अब तो कम हो गया है, पहले बहुत था। शर्मा, नगर निगम के बिल्कुल सामने ही पानी भरा है। नगर निगम सामने खड़ी है, अब क्या करूँ मैं बताओ? ये ईट रखा है, ये रास्ता है मेरा, यहाँ रखूंगा जब निकलूंगा मैं। ये ईट रख रहा है, ये रखूंगा यहाँ पर जब मैं निकलूंगा। अच्छा लेकर क्या कहेंगे नगर निगम? क्या करेंगे, थोड़ा काम करें अच्छा सा, काम अच्छा करेंगे अच्छा होगा।